और दिन की शुरुआत हो चुकी है भाई, और अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए। ब्रेकफास्ट तो कुछ हुआ नहीं मेरा आज, क्योंकि हम लोग लेट उठे सो गए, क्योंकि कल रात को बहुत देर तक बैठे थे। यहाँ पे मैच चल रहा है ना, कल यहाँ पे वो अर्जेंटीना वाला मैच था। अब जाएंगे सब लोग, और ये है भाई रॉबिन अभी भी बहुत दिक्कत में है, पता नहीं क्या है। एक तो ये लोग दवाई नहीं लेते हैं, भाई बोल रहे हैं कि दवाई नहीं लेंगे तो उसके बिना ही ठीक होगा, तो ठीक है इंतज़ार कर रहे हैं वो। अभी मेरे ख्याल से एक दो दिन और रुकना पड़ेगा उनको यहीं पे। दिन का टाइम बहुत बढ़िया रहता है, मतलब ना ज़्यादा धूप रहती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, और कल तो रात को ठंड थी, तो मज़ा आ रहा था। और ये हमारे होटल के जस्ट पास में ही है, इधर पास में होटल है, यहाँ पे ATM है तो अच्छा रहता है। और इधर ये इस टाइप की मोटर बाइक चलती है, यही वाली हमने भी रेंट करी थी जिससे ये गिर गया था भाई। मैंगो भी काफ़ी कॉमन है यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह मैंगो जूस, मैंगो शेक, मैंगो लस्सी सब कुछ मिल रहा है। और मेरे ख्याल से यही है सेंटर, टाउन का सेंटर यहाँ पे ही है, क्योंकि कल जहाँ पे वो रेस्टोरेंट में हम लोग बैठे थे वहाँ पे उन्होंने बताया था कि ये सेंटर है टाउन का, बस उससे थोड़ा सा एक गली दूर है हम लोग। I forgot that I was talking to him, he should take me to the train station tomorrow. Okay. Yeah. I saw him at the bowling alley yesterday. Yeah, tomorrow 11 o'clock, come to Why Not House. I go to the train station. ये देखो यार, अभी चल के जा रहे थे और ये एक अलग ही कुछ फूल दिखा हमको, और इसमें ये एक ही फूल लगा हुआ है लेकिन एकदम अलग से खूबसूरत फूल था ये, तो सोचा दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक ये सुपर मार्केट है, चिड़िया भी बेचते हैं शायद यहाँ पे लोग, चिड़िया वड़िया की बहुत सारी दुकानें हैं। इधर सामने भी एक है और इधर भी है फार्मेसी। फार्मेसी बहुत ज़रूरत पड़ी थी भाई को, यहीं से इन्होंने ये स्टिक ली है। ये देखो सामने उधर एक रखी भी हुई है। व्हाट इज दिस? अरे ये तो कुछ मिठाई जैसा लग रहा है, लड्डू की तरह दिख रहा है बस। व्हाट इज दिस? This sweet? Yes, I have one. Similar to donut. It's good. This one? Okay, yes. Honestly, I will get one before. Before. Are you getting a drink right now? Yeah, action food. Oh, तो ये सारे drinks हैं भाई, कुछ ना कुछ अलग अलग। और ये शायद मिठाई है, इसमें से ये वाला लेके देखते हैं अभी हम लोग। Oh, what's that? And this is the Thai milk tea. Have you ever tried it? Yeah. Oh, I'll try. Oh, my one passion fruit. Oh, God, me. Oh. I could just get it. How can I know that what is what? Yeah. What is this? What is this? मुझे तो ये तो वो रोजेल जैसा लग रहा है, और ये पता नहीं कुछ चॉकलेट का दिखा, पता नहीं क्या है। This is one Thai tea. This is for him. Yeah. ये लिया है भाई इन्होंने पैशन फ्रूट। पैशन फ्रूट राइट? Yes. मैं क्या लूँ? Oh, there's so much ice. Oh, no, I don't want it. You don't take anything. Oh, you don't want? Go for the green one. No. अरे ये लोग बर्फ बहुत ज़्यादा डाल लेते हैं यार, गला भी बैठने लगा है मेरा यहाँ पे इतना ये सब पी पी के। यहाँ पे बर्फ़ नहीं रहता है वो वाला लूँगा मैं।
देखो नंबर 20,000 दिए शायद इन्होंने। How much? 5? Yes, 15. Note बहुत confusing है यहाँ पे। 7? Yeah. 7,000? No, no, no. That's too icy. ये है वो जगह जहाँ हम लोग रात को बैठे थे और ये वही बंदे हैं। अभी देखो यहाँ पे रात को तो नाम दिख नहीं रहा था, अभी आपको दिखेगा टी बे। यहाँ से मेरे ख्याल से हम लोग सैंडविच लेंगे। ये भी एक रेस्टोरेंट है जस्ट उसके पास में ही। वी आर गेटिंग अ सैंडविच। यहाँ पर भी भाई सब जगह ये फ्राइड चिकन बहुत मिल जाता है या फ्राइड जो भी हो सब कुछ, लेकिन अभी तो अपन ये वाला सैंडविच लेंगे। यहाँ से भी फूड पांडा पे डिलीवरी होती है, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। मैं तो स्पाइसी वाला बोल लेता हूँ हर वक्त। हर चीज में थैली लगा के देते हैं भाई। वहाँ पे अलग था पार्क बैंक में, वहाँ पे सब जगह पे पत्ती लगा के दे रहे थे, केले की पत्ती, केले के पेड़ की। देखो ऐसे बनाया जाता है। ये लगा है बटर, थोड़ा सा चिकन, सब्जी, थोड़ा और चिकन। ये फिर मेरे ख्याल से स्पाइसी है कुछ, थोड़ा और चिकन। ये चिकन बहुत सारा बचे थी यार, सब जगह ऐसा नहीं होता। फिर से थोड़ा और। हाउ मच? 30. ओके, थैंक यू। सैंडविच लेके आ गए हैं फिर से इसी रेस्टोरेंट के अंदर। कल शायद अंदर से नहीं दिखाया था, कल पूरी लाइट वाइट बंद थी, लेकिन अंदर से भी ठीक है। पेंटिंग वगैरह बहुत बढ़िया बना के रखते हैं यहाँ पे। ये देखो सामने पूरी की पूरी वॉल के ऊपर, इस तरफ में भी। अब यहाँ बैठ के खाएंगे अपनी सैंडविच। यहाँ के प्राइस के हिसाब से 15,000 में मिला, मतलब सबसे सस्ता वाला सैंडविच है जो यहाँ पे खा रहा हूँ मैं अभी। What is it? Mala ramen. Noodles है यार सब जगह यहाँ पे। ये यहाँ पे बाहर ही इनका किचन है, यहीं पे बॉईल हो रहा है पूरा सूप और बीच में से नूडल्स बना के देते हैं हमको। And how is this? How is this? Hmm. Yeah, it's good. Passion fruit. Wow, it's really good. It's really spicy. And what is this one? Thai milk tea. Thai milk tea. Thai milk tea in Laos. मैच चल रहा है यहाँ पे, पता नहीं कब का है कौन सा है, लेकिन देख रहे हैं ये लोग। अभी ये ट्राई करके देखते हैं भाई यहाँ का जो मिठाई थी। यहाँ पे एक आर्ट गैलरी एग्जीबिशन है तो वो देखने आए भाई, और वहीं पे ये मिल गया हमको। ये बंदा मदद करने आया, देखने आया कि भाई खुला है कि नहीं। क्लोज है मेरे ख्याल से तो। शॉप Can we look? Come inside. Okay.
सारी अलग अलग पेंटिंग्स हैं यहाँ पे। शॉप है ये, इसलिए यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। बहुत ही बढ़िया डिटेलिंग वाली पेंटिंग्स हैं। ये वाली देखो, कुत्ते की पेंटिंग इतनी प्यारी है। ये भाई बोल रहे हैं कि लुक इनसाइड, देखते हैं अंदर जाके क्या है। इनसाइड भी और पेंटिंग्स हैं। इधर बैठ के मेरे ख्याल से ये पेंटिंग करते हैं यहाँ पे। यहाँ पर देखो कलर वगैरह सब रखे हुए हैं और यहाँ पर हो रही है पेंटिंग अभी। क्या बढ़िया ड्रोन व्यू है। सी द वन इज ऑन वर्किंग ऑन राइट नाउ, दिस वन। ओह या, यहाँ पे ये वाली पेंटिंग मिली है, गणपति को मूर्ति बनाते हुए तराशते हुए लाओ पेंटिंग है। और ये जो मेरे पीछे चल के आ रहे हैं, ये बनाते हैं पेंटिंग। तो एक से एक पेंटिंग बना रखी है भाई इन लोगों ने। भाई उस शॉप से निकलने के बाद अभी हमने चलना शुरू कर दिया है, ऐसे ही इधर उधर भटक रहे हैं। जो सिटी के अंदर देखने लायक जगह थी वहाँ पर तो चले गए। म्यूज़ियम गए थे, वहाँ पर भी कैमरा अलाउड नहीं है। एक और दो म्यूज़ियम है यहाँ पे, तो वहाँ पे भी कैमरा अलाउड नहीं है, फ़ोटो डिलीट करवा देते हैं भाई। तो उस वजह से वहाँ का तो कुछ दिखा नहीं पाया मैं आप लोगों को वीडियो में। लेकिन अभी हम लोग ऐसे चल के जाएंगे और आसपास क्या है, कहाँ पर लोग रहते हैं वो सब देखूंगा, आपको भी दिखाऊंगा। और ये पेड़ बहुत सारे सही लग रहे हैं यहाँ पे यार। सामने बैम्बू ट्री है, बैम्बू तो बहुत कॉमन है, आपको सभी जगह मिल जाएगा यहाँ पे। क्या आवाज़ आ रही है भाई, यहाँ भी घास कटाई हो रही है भाई सब जगह। कहाँ पर था, मेरे ख्याल से थाईलैंड में था एक जगह पे, और फिर यहाँ पे भी घास कटाई हो रही है। लेकिन रहने की जगह बहुत बढ़िया है। अभी चलते चलते देखो ये वाली जगह मिल गई हमको, वाटर सप्लाई स्टेशन या एंटरप्राइज इसका ऑफिस। तो यहाँ पे पानी चालू है, मतलब मेरे ख्याल से कि पानी है शहर में। अरे बीच में आ गया भाई, लेकिन पानी तो फिर भी चालू है, आपको आवाज़ आ रही होगी। लेकिन आर्किटेक्चर बहुत बढ़िया है यार यहाँ पे बिल्डिंग्स का, वो देखने के लिए हम लोग बस ऐसे रैंडमली घूम रहे हैं यहाँ पे। देखो ये वाली बिल्डिंग के ऊपर किस कैसे बढ़िया पूरे बैम्बू से फेंसिंग करी हुई है ऊपर तक। इस तरफ में थोड़ी कुछ शॉप दिख रही है, उस तरफ जाएंगे। इधर भी स्कूटी वगैरह बहुत ज़्यादा है, पर हनोई या हो ची मिन्ह सिटी जैसा नहीं है, वियतनाम जैसा नहीं है, इस वजह से अच्छा रहता है यहाँ पे। एक तो आजकल वाईफाई सब जगह मिल गया, फिर भी सब जगह लिखते हैं वही वाईफाई, फूड कॉफ़ी सब कुछ है हमारे यहाँ पे। इधर भी दो तीन शॉप है, मेरे ख्याल से यहीं पे सब लोकल लोग आसपास में रहते होंगे। और बीच बीच में किसी ने रेस्टोरेंट बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया।
बास्केटबॉल है या फुटबॉल है, बच्चे गाड़ी भी चलाते हैं भाई यहाँ पे। उस वक्त तो कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई थी भाई, लेकिन अभी रात हो चुकी है, टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से 8 बज रही है अभी, और हम लोग आए हैं डिनर करने के लिए। और ये पास में ही है एक लोकल रेस्टोरेंट, और यहाँ पे भाई नीचे बैठ के खाना खाने की व्यवस्था है, तो फिर इससे मैंने सोचा चलो आज यहाँ पे आते हैं। अभी देख रहे हैं क्या है इसका मेन्यू, मेरे ख्याल से मैं तो वही सारी चीज़ें लूँगा, लेकिन फिर भी देखना पड़ता है क्या क्या है, कितने का है, क्योंकि नाइट मार्केट में थोड़ा महंगा पड़ता है और वहाँ पे मज़ा भी नहीं आया खा के, तो उसके बजाय यहीं पे हॉस्टल के एकदम पास में यहीं पे खाएंगे भाई। यहाँ पर देख लो मेन्यू में क्या क्या है। ये वाला मेन्यू मेन है भाई, उसके अंदर सबसे अतरंगी चीज़ें रहती है। आइसक्रीम भी है इसके पास, देखेंगे भाई कैसी आइसक्रीम रहती है इनकी, वरना पोर्क बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, सी फूड है, पोर्क है, और राइस तो है ही हर चीज़ में, राइस और नूडल्स, तो नूडल्स मुझे जमते नहीं है यार, हर चीज़ में राइस है, इसलिए फिर मैं फिर फ्राइड राइस ही खाता हूँ, राइस नूडल्स सूप भी है, पता नहीं क्या क्या है यार, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं तो अपनी एक ही चीज़ खाता हूँ बार बार, पेट भरना चाहिए। ये आ गया है भाई अपना खाना, मतलब ये तो मेरा नहीं है, ये हर्षा भाई का, इन्होंने लिया है एग फ्राइड चिकन विद एग, और उसके साथ मिला है ये सूप, और दूसरा भी कुछ सूप है शायद फिश सूप, और ये मिक्स फ्रूट शेक। This is the best one we've been to. हम दूसरी एक चीज़ मंगाई है, वो है भाई ये, अब दिखने में तो पापड़ की तरह है, लेकिन भाई ये है सी वीड, फ्राइड सी वीड, और इसके ऊपर कुछ दाने भी लगा दिए हैं, खा के देखते हैं कैसा लगता है। अलग अलग है, देखो ये सब पत्तों के टुकड़े हैं, ये यहाँ पे स्नैक्स की तरह खाया जाता है, और ये भी बहुत सही चीज़ है भाई, और टेस्ट बहुत बढ़िया, मतलब अभी तक जहाँ जहाँ हम लोग गए उसमें से ये भी बहुत बढ़िया लगा हमको, रीज़नेबल प्राइस में। भाई अपना भी खाना आ चुका है, लेकिन शायद से भाई फ्राइड राइस की जगह नॉर्मल राइस आया है, तो देखते हैं अभी खाने में कैसा लगेगा, चिकन तो है लेकिन फ्राइड राइस नहीं है, समझते हैं चलो। बाकी ये भी चीज़ बहुत बढ़िया है भाई, पत्ती वाली, और जूस भी बहुत बढ़िया है। तो भाई चावल तो मुझे कुछ पसंद आए नहीं, ये पत्ती भी दो तीन खाई उसके बाद फिर ज़्यादा खा नहीं पाया, और अभी आइसक्रीम मंगाई है 10,000 में, मतलब 50 रुपये में, देखते हैं कैसी रहेगी, दिख तो बहुत ज़्यादा रही है, 4 स्कूप आइसक्रीम के दे दिए इन्होंने, लेकिन यहाँ चावल मैंने फ्राइड राइस मंगाए थे, इन्होंने ये वाले दे दिए, तो बिल्कुल खा ही नहीं पाया मैं, वरना मैं भी ऐसे ही खाली प्लेट कर देता हूँ। भाई का कहना है आइसक्रीम अच्छी है, which one is it? Taro. Thora? Taro. Taro. What is Taro? It's like a root. कोई बात नहीं, अपन ने तो नॉर्मल चॉकलेट ही लिया है भाई।